तो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू फ्लैंक्स पर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप न्यू ट्रैक्टर्स के साथ टोचन कैसे कर सकते हो। जी हाँ गाइज, क्योंकि यार आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम न्यू ट्रैक्टर के साथ टोचन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप न्यू ट्रैक्टर्स के साथ टोचन कैसे कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रैक्टर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली न्यू अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ट्रैक्टर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यार आप भी आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर में हमारा ट्रैक्टर पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया है। तो चलो अभी मैं आपको सिखा देता हूं कि आप भी मेरी तरह ट्रैक्टर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहां पे न्यू ट्रैक्टर ले लिया है, तो चलो मैं इसी ट्रैक्टर को आपको मॉडिफाई करना सिखा देता हूं। तो गाइस जैसे आप कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर जाओगे, वैसे आप देखना यहां पे कलर ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद मैंने यहां पे ब्लैक कलर का हमारा ट्रैक्टर कर दिया है। उसके बाद अभी हम व्हील्स चेंज करेंगे। तो गाइस यहां पे आपको बहुत सारे न्यू व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं इस अपडेट में। तो गाइस आप कौन सा भी व्हील्स हमारे ट्रैक्टर के ऊपर लगा सकते हैं, यहां पे आपको बहुत सारे व्हील्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद यहां पे आप लोग देखते हैं चेंज डीजे का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पे भी आपको बहुत सारे न्यू डीजे देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको जो भी डीजे पसंद है वो आप ट्रैक्टर के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको स्टीयरिंग व्हील चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, न्यू बंपर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मैंने यहां पे बंपर भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद साइलेंसर चेंज करते हैं, बैक व्हील्स भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे मैंने बैक व्हील भी चेंज कर दिया है। तो गाइस अभी आप लोग देखते हैं यार हमारा सिंपल सा ट्रैक्टर कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है मॉडिफाई करने के बाद। तो गाइस आगे मैं आपको इसके पीछे न्यू थ्रेसर भी ऐड करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस अपडेट में आपको थ्रेसर भी मिल जाता है। तो गाइस यार अभी ब्लैक कलर में हमारा जो ट्रैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस आप ट्रैक्टर के ऊपर कौन सा भी कलर कर सकते हैं, आप जो भी कलर पसंद है वो आप अपने ट्रैक्टर के ऊपर करवा सकते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देखना यहाँ पे आपको एक थ्रेसर का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर जाने के बाद, ये देखो थ्रेसर। तो गाइस जैसे मैंने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, वैसे हमारे ट्रैक्टर के पीछे न्यू थ्रेसर भी ऐड हो चुका है। तो गाइस अभी हमारा ट्रैक्टर जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस चलो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप टोचन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टोचन करना भी अभी तक नहीं आता। तो चलो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ कि टोचन हम लोग कैसे कर सकते हैं न्यू ट्रैक्टर के साथ। तो ये देखो गाइस मैंने फाइनली यहाँ पे टोचन मोड ऑन कर दिया है। उसके बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पे आपको सारे ओल्ड ट्रैक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन सा भी न्यू ट्रैक्टर अभी तक तो यहाँ पे नहीं देखने के लिए आपको मिलता, और ना ही एनिमी व्हीकल्स में आपको न्यू ट्रैक्टर देखने के लिए मिलता है। जो पहले अपडेट में आपको देखने के लिए मिलते थे ट्रैक्टर्स, वही आपको टोचन मोड में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस आपको टोचन मोड के अंदर न्यू ट्रैक्टर्स को ऐड करवाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि गाइस यार आप जितनी ज़्यादा कमेंट्स करोगे उतने ही ज़्यादा जल्द से जल्द आपको टोचन मोड में भी न्यू ट्रैक्टर्स चलाने के लिए मिल जाएंगे और आप भी टोचन मोड के अंदर न्यू ट्रैक्टर्स का मजा उठा सकते हो। लेकिन गाइस आप टोचन मोड के अंदर हमारे ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके बाद भी टोचन कर सकते हैं। तो गाइस यार आपको भी टोचन मोड करना पसंद है तो यार जल्दी से जल्दी इस गेम को डाउनलोड कीजिए और आप भी टोचन मोड का मजा उठाइए। तो आई होप गाइस आपको ये न्यू अपडेट एंड ये न्यू गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।